स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। गाइस मैं हूँ विकी तिवारी और आप देख रहे हैं विजेता का ज्ञान। दोस्तों अभी हम आए बनारस में और बनारस का एक्सप्लोर करने आए हैं अस्सी घाट। जैसा कि आपको पता है ये बहुत ही फेमस घाट है अस्सी घाट। ये इस साइड आप देख सकते हैं यही है अस्सी घाट। और ये अस्सी घाट है ये काशी विश्वनाथ टेम्पल से इसकी दूरी 3 किलोमीटर है। और ऐसा कहा गया है या पुरानों ग्रंथों में बताया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी अस्सी घाट पर ही रामचरितमानस की रचना की थी। और ये हमारे साथ विवेक भाई बने हुए हैं। और यहाँ की जो आरती है वो प्रातःकालीन 5:30 बजे होती है, उसके बाद यहाँ योग शिविर का आयोजन किया जाता है। तो गाइस आइए आपको लेके चलते हैं, पास से दिखाते हैं अस्सी घाट का नज़ारा। तो गाइस आप ये देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे अस्सी घाट का। और ये हम बनारस के अस्सी घाट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है और पीपल का पेड़ है। कुछ इस तरह से ओवरव्यू निकल के आता हुआ अस्सी घाट का आप ये देख सकते हैं। अभी दोपहर का समय है और गर्मी का टाइम है तो जो टूरिस्ट हैं तो इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। जैसे जैसे शाम होती जाएगी, मौसम थोड़ा ठंडा होता जाएगा तो यहाँ पे लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। और अगर आप बनारस आते हैं तो अस्सी घाट घूमने ज़रूर आएँ क्योंकि ये बहुत ही फेमस घाट है। और इसी घाट में पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। और आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कुछ अस्सी घाट से रिलेटेड। ये एक बोर्ड लगा हुआ है जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये अस्सी घाट। तो कुल मिला के यही ओवरव्यू यहाँ का निकल के आता हुआ अस्सी घाट का। आप यहाँ पे नौका विहार कर सकते हैं, बोट लगी हुई है आप देख सकते हैं, तो बोटिंग कर सकते हैं। और कुल मिला के बहुत ही शानदार ओवरव्यू निकल के आता हुआ आप ये देख सकते हैं दूर दूर तक, वहाँ तक। काशी विश्वनाथ टेम्पल से इस घाट की दूरी 3 किलोमीटर है, तो आप काशी विश्वनाथ से ऑटो या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ अस्सी घाट का लुत्फ़ उठा सकते हैं। शूटिंग वगैरह भी चलती रहती है। जैसे अभी आप ये सामने भीड़ देख सकते हैं, शायद यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी है, शायद पवन सिंह आए हुए हैं, भोजपुरी एक्टर जो है। तो कुछ इस तरह से ओवरव्यू निकल के आता है यहाँ अस्सी घाट का। ये सामने आप देख सकते हैं अस्सी घाट टेम्पल, गंगा महल घाट वो है सामने देख सकते हैं आप। तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ ट्रिपल आर की टीम भी आई थी और ये जो ब्रह्मास्त्र की शूटिंग वगैरह भी इन्हीं घाटों पे की गई थी। तो बनारस जो है तो काफ़ी फेमस है इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप बनारस घूमने आते हैं तो यहाँ के जो कुछ शानदार घाट हैं जैसे कि दशमेश घाट हो गया, मणिकर्णिका घाट हो गया, ललिता घाट हो गया, और उन्हीं में से एक ये है आपका अस्सी घाट। तो कुछ इस तरह से ओवरव्यू निकल के आता है अस्सी घाट का। और यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, ये नावें देख सकते हैं और लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह लेते हुए, तो आप यहाँ पे नहा सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। और